Hello students, after discussing four sectors of an economy, in this lecture we will discuss about the concept of factor income and the transfer income, or we can say factor payment or transfer payments. We will discuss about the factor income. हमने previous lectures में और एक already dedicated videos का हमने डिस्कस किया था दैट देयर आर बेसिकली फोर फैक्टर्स ऑफ एन ऑफ द प्रोडक्शन. फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज कैपिटल, और आप फोर्थ चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. और प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर and second sector is the firm sector. Fine. Now, as we have studied and we have discussed that what is the basic function of the household or consumer sector, these households basically provides factors of production to the firm sectors, because without using the factors of production it is not possible to produce goods and services in economy. आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा. तो फर्म सेक्टर को अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है देन दे हैव टू टेक ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर्स. वो हाउस होल्ड सेक्टर ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है किसे, फर्म सेक्टर को. दे प्रोवाइड लैंड, फॉर लैंड इज अ फिजिकल फैक्टर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. दे प्रोवाइड लेबर, ह्यूमन रिसोर्स and capital, monetary resource, entrepreneurship, technical or skills basically. तो land अगर इसने इसको provide की है तो that is called factor of production. All these are the factors of production. अब जब ये factors of production household firm sector को देता है तो naturally we can say economic activity, और economic activity के against कुछ ना कुछ payment करना पड़ेगा. means if firm sector is taking land from the household sector, it has to pay something in return, and that payment is called rent or royalty, whatever. इसके बदले में rent और royalty दी जाती है. means one एक तरफ तो वो लोग उससे land ले रहे हैं, कौन, firm sector, और उसके against वो उसको क्या provide करेगा, payment करेगा in form of rent or royalty. second, they are taking labor, human resource, or labor ke against they used to pay the wages or salaries. ye wages or salary pay karta hai kaun, firm sector. isko against the capital they used to pay the interest, and against the entrepreneurship skills he takes his profit. wo apna profit basically kya karta hai, market se withdraw karta hai. ab aap isme dekhein ke ye jo payments ho rahe hain, रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, ऑल दीज पेमेंट्स आर बायलिटरल. दे आर टेकिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द वन हैंड एंड दे आर पेइंग द अमाउंट ऑन द अदर हैंड. मीन्स लैंड लिया तो लैंड के अगेंस्ट इन कंसिडरेशन दे आर पेइंग द रेंट एंड रॉयल्टी. तो दीज फैक्टर्स पेमेंट आर ऑलवेज बायोलिटरल. ऑलवेज रिमेंबर दीज पेमेंट्स आर ऑलवेज बायोलिटरल पेमेंट्स. बायोलिटरल मीन्स they are paid against some consideration. आपने लैंड ली, लैंड के अगेंस्ट आपने रेंट और रॉयल्टी पे किया. आपने वर्कर्स लिए, लेबर लिया, एंड यू आर पेइंग सैलरी एंड वेजेस टू द वर्कर्स. यू आर टेकिंग कैपिटल, मॉनिटरी रिसोर्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट अगेंस्ट इट, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रॉफिट आप ले रहे बेसिकली. तो दीज फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम्स दीज आर ऑलवेज द बायोलेटरल. ये हमेशा किसी गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट आप पे करते हो, और ये बायलेटरल मींस आप उसके कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपको मिलता है. एक हाथ देने और एक हाथ लेने का इसके ऊपर कंसेप्ट बेसिकली चलता है. मींस इफ यू आर गिविंग लैंड यू विल रिसीव रेंट एंड सो ऑन, आपको जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है. तो हमेशा याद रखें कि ये बायलेटरल होता है. बायलेटरल मींस आपको कुछ ना कुछ इन कंसिडरेशन, यू आर गेटिंग सम रिवॉर्ड अगेंस्ट दैट. ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर को लैंड मिली, उसने हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट एंड रॉयल्टी दिया. लेबर मिला, वेजेस एंड सैलरी पे किया. कैपिटल में इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मिली, दे आर पेइंग प्रॉफिट टू इट. अब
इसको आप फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम बोले तो एक भाई इकोनॉमी तो यूं भी सर्कुलर फ्लो में चलती है एज वी ऑल नो, और इसका एक लेक्चर अपने एक उसमें आने वाला है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में कि एक बंदे की इनकम विल बी द पेमेंट ऑफ द अनदर पर्सन, मीन्स फर्म इज पेइंग ऑल दीज पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर, एंड सो हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट। वैसे ये तो बेसिकली इंटरेस्टेड है कि भाई एक का पेमेंट और एक का एक्सपेंस होगा, तो जो जिसको ये इनकम मिल रही है तो उसके लिए बेसिकली इट इज कॉल्ड एज द फैक्टर इनकम, और जो पे कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। बिसाइड्स ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और कंजम्पशन एक्सपेंड, ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली किसको सेल होगा वापस, हाउस होल्ड सेक्टर को, सॉरी ये किसको सेल होगा फिर से, हाउस होल्ड सेक्टर को, और जब हाउस होल्ड सेक्टर इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करेगा तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, और उसके अगेंस्ट जो पे करता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगेन दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो अ बायलेटरल पेमेंट, मीन्स एक तरफ आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिली एंड ऑन द अदर हैंड यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक के लिए इसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके लिए कंजम्पशन इनकम बोल सकते हैं आप उसके अंदर बेसिकली। तो ये पेमेंट भी एक टाइप का बायलेटरल पेमेंट होता है। तो फर्स्ट इज द ट्रांसफर पेमेंट, एंड ट्रांसफर for payment are usually bilateral payments, double sided payment against the some consideration they are paying to each other, fine. Second type of income or payments are transfer income or transfer payment. Transfer, अभी से पहले हमने पढ़ा था कि factor incomes are bilateral incomes or bilateral payment means against some consideration. There are some kind of payments, or we can say as per my payer point of view, and some kind of incomes as per receiver point of view, which are just unilateral, or we can say some incomes which are paid without any consideration. Koi bhi consideration iske against aapko nahi milega. Aap single sided payment hota hai, that is called unilateral. Unilateral or we can say single-sided payment. आप सिर्फ दोगे और उसके अगेंस्ट आप कोई consideration expect नहीं कर सकते, ना तो आप expect करते हो nor you are receiving the consideration against the transfer payment. हम सिर्फ उसको देते और उसके अगेंस्ट कोई consideration basically we are not expecting from the person. हमें उसके अगेंस्ट कोई भी consideration receive नहीं होता. These are called the transfer. We have studied in the previous lecture that we have three types of four sectors in economy: household sectors and firm sector. Besides, we have also studied government sector. अब ये गवर्नमेंट सेक्टर का मैंने आपको फंक्शन बताया था प्रीवियस लेक्चर, आप देखें उसमें कि गवर्नमेंट सेक्टर का मेन फंक्शन होता है टू कलेक्ट द ट्रांसफर इनकम्स फ्रॉम हाउसहोल्ड एज वेल एज फ्रॉम द फर्म, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, taxes. Household usually pays direct taxes, iska lecture hai aap dekh lijiyega, and the firm usually pays indirect taxes just like GST and aur ye kaun sa hota hai, it's like income tax. तो अब आप इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे करते हैं तो आप कोई भी कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, मींस आपने दे दिया दैट सेट बात खत्म, अब उसके बाद उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको उतने अमाउंट की कोई डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे दैट इज नॉट पॉसिबल, फाइन। तो गवर्नमेंट आपसे ले रही है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही, फ्रॉम फर्म सेक्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में जस्ट लाइक जीएसटी, और उसके अगेंस्ट भी दे आर नॉट पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन टू द पीपल। On the other hand, government also pay some transfer payment to the household as well as to the firm. Firm ko deti hai in form of subsidies or government grants or aids. Fine, subsidies provide ki jati hai apna firm sector ko. प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर्म सेक्टर को सब्सिडीज टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली, और उसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन कोई अड़चन ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली फॉर्म सेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स वी यूज टू से बेल आउट पैकेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जस्ट अ हेल्प, और उस हेल्प के अगेंस्ट गवर्नमेंट नेवर वॉन्ट्स एनीथिंग फ्रॉम द फॉर्म सेक्टर। अभी जैसे कुछ दिन पहले
गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को बेल आउट पैकेजेस दिए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, बहुत सारे एनपीएस हो गए थे, तो एनपीएस को रिकवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट हैज पेड सम बेल आउट पैकेजेस टू द बैंक्स. बिसाइड्स, गवर्नमेंट ऑल्सो पे सम ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, जैसे हमें एलपीजी पर सब्सिडीज मिलती है, सम अलाउंसेस, कुछ भत्ते दिए जाते हैं, सम पेंशंस मिलती है, ओल्ड एज पेंशन एज वेल एज सम अनएम्प्लॉयमेंट पेंशंस ऑल्सो. तो दीज पेंशंस आर ऑल्सो पेड बाय द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड को भी दिए जाते हैं, प्लस सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स जो स्टूडेंट्स को, हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं या जैसे ओबीसी और इस टाइप की जो बेसिकली स्कॉलरशिप्स पे की जाती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड. तो ऑल दीज कम्स अंडर द ट्रांसफर, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं मांग रही, कोई सर्विसेज नहीं ले रही, कोई गुड्स आपसे परचेज नहीं कर रही. फाइन, तो ये ट्रांसफर इनकम्स और ट्रांसफर पेमेंट्स आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, सिंगल साइडेड होते हैं. अब आप देखें, टैक्सेस आर पेड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म, तो दीज टैक्सेस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर पेमेंट फॉर हाउस होल्ड एंड द फर्म एंड ट्रांसफर इनकम फॉर द गवर्नमेंट. जो रिसीव करा उसके लिए इनकम है, जो पे करा उसके लिए पेमेंट है. एंड नाउ दीज सब्सिडीज विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर इनकम फॉर द फर्म, एंड सब्सिडीज, अलायंसेस, पेंशन, स्कॉलरशिप्स आर कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर इनकम फॉर द हाउस होल्ड.